यह विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके इसमें आग लगा दी। यहाँ की समृद्ध लाइब्रेरी की पुस्तकें वर्षों तक जलती रहीं। 19वीं शताब्दी तक ये अज्ञात ही रहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1915 में इस स्थान की व्यवस्थित खुदाई शुरू की, जिसमें 11 बौद्ध विहार और ईंटों से बने 6 मंदिर, सिक्के, मोहरे और मृदभांड का भंडार मिला। इनमें से अनेक वस्तुएं यहाँ के संग्रहालय में रखी हुई हैं। लगभग 12 हेक्टेयर क्षेत्र में खुदाई की गई, लेकिन बड़ा गांव के आसपास का एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां अब तक खुदाई नहीं हो पाई है। यहां के खंडहर देखकर लगता है कि ये इमारतें कितनी बुलंद और मजबूत रही होंगी। इन कमरों में छात्र रहते थे और गुरुकुल पद्धति पर पढ़ाई होती थी। यहां का दृश्य देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बार बार यहां आना चाहते हैं। से आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुना था इसके बारे में, लेकिन अब देख के तो इतना अच्छा लगा है, मन भर गया है और सबको भी आना चाहिए एक बार देखने के लिए। और बहुत सारी चीज़ है जानने के लिए भी, हमको तो हम इतिहास में कहना है लेकिन हम तो देखा नहीं कभी। अब देखने के बाद मालूम होता है इसे कितना अच्छा से बनाया हुआ था, जब पुराना जो बिल्डिंग है कितना मैनुफैक्चर जो किया था, जो इंजीनियर था उसका जो मैनुफैक्चर जो किया है, कितना मॉडर्नाइज है, कितना अच्छा है, एक एक चीज़, एक एक घर, एक एक कुआ, सब कुछ अच्छा है। यह न सिर्फ एक पर्यटक स्थल है बल्कि बौद्ध धर्म का शिक्षा स्थल होने के कारण ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धा का एक केंद्र भी है। इसलिए बौद्ध देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी काफी होती है, जो यहां आकर श्रद्धा से शीश नवाते हैं। जो कुछ भी यहां सतह के ऊपर दिखाई दे रहा है उससे काफी अधिक धरती के नीचे है। क्योंकि आसपास आबादी है इसलिए वहां उत्खनन नहीं हो पा रहा है और काफी राज धरती के नीचे पड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।